नेमा फलमाइची अल्लाह द रहमान द रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डियर कैंडिडेट्स, आज आपका लेक्चर जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे है। किस चीज पे है आपका लेक्चर आज? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जो आप लोगों के पेपर में यूज होंगी। आप लोगों के पेपर में ये सारी की सारी ट्रिक्स यूज होंगी। सो आप लोगों ने इन ट्रिक्स को अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है, अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि यही ट्रिक्स यूज करके आप लोग इंशाल्लाह 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 क्या करोगे, सीखोगे और अपने पेपर पे अप्लाई करके क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। अभी चैट बॉक्स में आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना, अपने पूरी कंसंट्रेशन और पूरे ध्यान से जो है ना ये क्वेश्चंस के देखना है कि कैसे आया जवाब। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा। सो आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से करना है। एंड दोज कैंडिडेट्स जो के यूट्यूब पे हैं, ये हमारा फ्री सेशन है, 3 डेज फ्री सेशन है हमारा ये AFNS के लिए। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना चाहो, ऑनलाइन क्लासेस, देन यू कैन ज्वाइन बाय कॉन्टेक्ट ऑन 03066892208। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो और इसकी फी होती है, ठीक है? ये ऑनलाइन क्लासेस की हमारी होती है फी पे करके आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ओके, तो ये तो 3 डेज का फ्री सेशन है। आपको ये यूट्यूब पे भी मिलेगा, आपको ये व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मिलेंगे। अब हम वन बाय वन इन ट्रिक्स को यूज करना सीखते हैं। फर्स्ट जो हमारी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप है वो है ऑड मैन आउट। कौन सी टाइप है? ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट बेसिकली क्या है? ऑड मैन आउट बेसिकली, हमने कल ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी टाइप पढ़ी थी, ऑड मैन आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी शेप आपने डिफरेंट देखनी, यानी कि आप लोगों को 4-5 शेप्स दी जाएंगी, आपने उन 4-5 शेप्स में से जो डिफरेंट शेप होगी वो बताना होगी कौन सी है। आपको मैं कुछ रूल्स बताता हूं। फर्स्ट, नॉन वर्बल में ऑड मैन आउट में तकरीबन 4 रूल्स लगते हैं। कितने रूल्स? 4। कौन कौन से? हो सकता है कि 4 रूल्स, फर्स्ट रूल जो लगेगा वो है लाइन रूल। कौन सा रूल? लाइन। लाइक हो सकता है कि शेप में बाकी सब में 3-3 लाइनें हों, एक ऐसी शेप हो जिसमें 4 लाइनें हों या 2 लाइनें हों, तो वो हो जाएगी ऑड मैन आउट, ठीक है? यानी कि लाइनें मिसिंग हो सकती हैं या दूसरी शेप से ज्यादा हो सकती है। दूसरा रूल है शेप रूल। शेप रूल क्या है कि हो सकता है कि बाकी सारी शेप्स क्लोज हों और एक शेप उनमें ऐसी हो जो कि ओपन हो, या बाकी सब शेप्स ओपन हों, एक शेप क्लोज हो सकती है, तो ये होता है शेप रूल। तीसरा रूल जो होता है वो है एंगल रूल। क्या होता है? एंगल रूल। लाइक हो सकता है एक शेप जो है वो 45 डिग्री पे रोटेट कर रही हो और बाकी सब शेप्स जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर रही हो। और जो फोर्थ रूल है वो है एरो रूल। एरो रूल क्या है? बेसिकली आप लोगों ने रोटेशन देखनी है। लाइक ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एरो नजर आ रहा है आपको, जिसे हम उर्दू में तीर कहते हैं, ये वाला तीर। जब भी एरो आएगा, एरो तीर आएगा, तो आपने देखना है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये आपने लाजमी नोट डाउन करना है। ओके,
ओके, अब हम वन बाय वन ट्रिक्स इस्तेमाल करना सीखते हैं और साथ में इन क्वेश्चंस को करना सीखते हैं। ओके डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग ये देखो, आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो। देखो भाई क्या आंसर होगा। फर्स्ट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को एज अ क्विज लें, और जब मैं कहता हूं इसका क्या आंसर होगा तो वो भी चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें, और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी साथ लिखें। वेरी गुड, इस तरह आपका ये क्विज भी हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके डियर कैंडिडेट्स, आप लोगों ने फर्स्ट देखा कि ये एरो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये एरो बी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये एरो बी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट वाला एरो है ये अकेला एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, राइट ऑप्शन अल्फा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहे प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन का जवाब दें सब लोग चैट बॉक्स में। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। हरियप हरियप, वेरी गुड, आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब अल्फा बताया। इस क्वेश्चन का जवाब अल्फा ही है। बाकी सब में आपने देखा कि ये एक लाइन है, लाइन के एक ऊपर डॉट है, एक नीचे डॉट है, एक नीचे एक ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, बट इन अल्फा यू कैन सी के एक ही साइड पे दोनों डॉट्स हैं लाइक ऊपर की तरफ। सो द राइट ऑप्शन विल बिकम अल्फा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये शेप रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि बाकी सारी शेप क्लोज हूं एक ओपन हो, या बाकी सब ओपन हूं एक क्लोज हो। जल्दी से इसका आंसर दें। हरियप हरियप, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डेल्टा, क्योंकि बाकी सब शेप्स जो हैं ये क्लोज शेप है, क्लोज है, क्लोज शेप है। सर्कल के अंदर आप देखो क्लोज है, क्लोज है, क्लोज शेप है, क्लोज शेप है, बट डेल्टा में जो शेप है ये एक ओपन शेप है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। ओके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आप सब लोग गलत जवाब दोगे। नहीं तो देख के देख लो जवाब, आई नो कि आप सब लोग इसका गलत जवाब दोगे। चैट बॉक्स में जल्दी आंसर दो। कोई आंसर दे रहा है ए, कोई कह रहा है एम, कोई कह रहा है यू, कोई कह रहा है सी। ओके नाउ लिसन टू मी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ओ। अब आप कहेंगे नो नो सर, आपने देखा नहीं, यू ए आई ओ ये तो वॉवल्स हैं, एम वॉवल नहीं है, सो राइट ऑप्शन एम होना चाहिए। नो Now you are dealing with non-verbal. जब आप non-verbal के साथ deal कर रहे होंगे then आप कोई verbal vowel वाला trick नहीं लगाओगे, कोई English वाला trick नहीं लगाओगे। आप यहाँ पे shape देखोगे और angle देखोगे। यहाँ पे M में लाइनों से बनी हुई shape है, U लाइनों से बनी हुई shape है, O लाइनों से बनी हुई shape है, I लाइनों से बनी हुई shape है, लेकिन O एक closed shape है जो लाइनों से मिलके नहीं बनी। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। सर अगर यही क्वेश्चन वर्बल में आ जाए ऐसे करके ऐसे, विच इज आर्ट मैन आउट एम यू ओ ए आई, तो फिर सर क्या राइट ऑप्शन होगा? तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन वर्बल में आएगा तो इसका राइट ऑप्शन होगा एम, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नॉन वर्बल में आ गया तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओ। अभी
सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्बल में ये क्वेश्चन आया है या नॉन वर्बल में? ये आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मेरे नहीं। जब नॉन वर्बल में आया तो आपको ऐसे ऑप्शन आ गए और आपने कोई एक क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब वर्बल में आएगा तो फिर इस तरह ऑप्शन आएंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। ऑप्शन में फर्क होगा, गुड। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, क्योंकि अल्फाबेट्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके पेपर में। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन, ये तो आप खुद आंसर दे दोगे, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं खुद नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग खुद बताओगे। तहमीना, डोंट यूज मार्कर। मैंने मार्कर यूज करने की किसी को इजाजत नहीं दी। गुड, द राइट ऑप्शन इज चार्ली, क्योंकि बाकी सब में 3-3 लीव्स हैं, चार्ली में 4 लीव्स हैं। So the right option will be Charlie. Good. Okay, dear candidates, सबसे पहले मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में, कल का आपने जो लेक्चर लिया था, किसी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया होगा, किसी ने यूट्यूब पे लिया होगा, या किसी ने ऑनलाइन, वो आप लोगों ने रिव्यू किया, आप लोगों को मजा आया वो लेक्चर लेने का जो कल हुआ था? वेरी गुड। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब पे वो लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब वाले भी, वो लाजमी वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें से बहुत 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 ज्यादा आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह। ओके डियर कैंडिडेट्स, इंशाल्लाह नॉन वर्बल का ये लेक्चर लेने के बाद आपका नॉन वर्बल भी क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए मैंने सेशन रखा है ताकि आप जल्दी में इसका कर लो, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद इसका जवाब दें पहले। वेरी गुड, आप लोगों में से किसी का भी जवाब आपस में मिल नहीं रहा, कोई कह रहा है अल्फा, कोई बीटा, कोई डेल्टा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ, जस्ट लिसन। आप लोग देखो, अगर बीटा शेप इधर मौजूद ना हो, सोचो तो क्या ये सीरीज मुकम्मल है? देखो ये 45 डिग्री पर रोटेट हुआ, इधर आ गया, ये 45 डिग्री पर रोटेट हुआ, इधर आ गया, ये 45 डिग्री पर रोटेट हुआ, इधर आ गया। लेकिन बीटा जो है इस ऑप्शन ने इस सारी सीरीज को खराब कर दिया इधर आके। अगर हम बीटा ऑप्शन को बाहर निकाल दें तो पूरी की पूरी सीरीज ठीक हो जाती है। इस वजह से पूरे का पूरा जो सीरीज को खराब करने की वजह है, हम उसे ही ऑड मैन आउट बोले। गॉट इट, समझ आई आप लोगों को? आप लोग सिर्फ एक चीज नोट करो, स्ट्रेट लाइन ना देखो, कुछ भी ना देखो, आप ये देखो कि अगर बीटा वाला ऑप्शन इधर मौजूद ही ना होता, क्योंकि एरो जब भी आता है, मैंने आपको बताया था, उसका एंगल देखना है और साथ में उसकी रोटेशन देखनी है। अगर हम बीटा के अलावा सबकी रोटेशन देखें तो ऑल आर मूविंग क्लॉक वाइज, एक सीरीज मुकम्मल कर रहे हैं वो क्लॉक वाइज 45 डिग्री पे रोटेट हो, बट जो बीटा है वो अकेला एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। आप सिर्फ यही ट्रिक देखेंगी, आपके माइंड में बाकी जितनी भी ट्रिक्स हैं उसको छोड़ दो, बाहर निकाल दो, सिंपल सिंपल ट्रिक्स अपने माइंड में रखो। ओके, जिसका ज्यादा चलेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जिसका मार्कर ज्यादा चलेगा। ओके डियर कैंडिडेट्स, आप लोगों को इस क्वेश्चन की आई होप के समझ आ गई होगी। इशा रिजवान रिमूव हो रही है, रिमूव। ओके, ओके, इस क्वेश्चन का आप जवाब दें, ये बहुत सिंपल सा है और ये पता नहीं कितनी मर्तबा आर्मी के पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल सा। ओके, चार्ली, चार्ली, ईटा, अल्फा, अल्फा,
चार्ली अल्फा, ओके नाउ लिसन टू मी, इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। कैसे आया चार्ली? आप लोगों ने एक सर्कल देखा और एक एक्लिप्स देखी, एक रेक्टेंगल, ये भी एक एक्लिप्स है और ये एक स्क्वायर है। उन्होंने हर एक शेप को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में? फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अपर राइट कॉर्नर को ब्लैक कर दिया। अपर राइट, अपर राइट, अपर राइट, अपर राइट। बट हेयर इन चार्ली यू कैन सी लेफ्ट लोअर कॉर्नर को उन्होंने ब्लैक किया। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। गॉट इट? ओके, मेरे लिए आप सबने दुआ भी करनी है। तबीयत बहुत खराब है क्योंकि रात दिन पढ़ा रहा हूँ, कभी पेड कोर्स को, कभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, कभी इधर आप लोगों को फ्री सेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत तबीयत खराब है। ठीक है, तो आप लोगों ने दुआ भी करनी। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ईटा। अब मुझे सुन लो सब लोग, आप लोगों ने फर्ज करना है कि ये एक झूला है जो कि गोल गोल घूमता है ऐसे करके ऐसे, और ये एक इसका बीम पॉइंट है, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है जिसके गिर्द घूमता है एक्सेल के। अब ये झूला थोड़ा सा घूमा, ये देखो ऐसे हो गया। अब ये झूला थोड़ा सा और घूमा, सॉरी हॉरिजेंटल हो गया। अभी ये थोड़ा सा और घूमेगा, ऐसे हो गया। अब इसे चाहिए था घूम के झूले को वर्टिकल हो जाता और ऊपर आता ब्लैक कलर का डॉट, नीचे आता वाइट कलर, ये ऑप्शन होना था। बट उन्होंने ईटा में ऑप्शन ही गलत दे दिया। सो राइट ऑप्शन विल बी ईटा। ओके डियर कैंडिडेट्स, आप लोगों ने बेसिकली क्या किया, शेप को घुमाया है 45 डिग्री पे रोटेट किया, लेकिन उन्होंने डेल्टा और ईटा को 45 डिग्री पे रोटेट नहीं किया, इस वजह से इसको हमने आंसर लगा दिया ईटा। मैंने चार रूल्स आपको बताए थे, वही चार रूल यूज हो गए। ठीक हो गया। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियप, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी पाकिस्तान आर्मी में बहुत दफा आ चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जीडीपी की, सीएई की, और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, स्पेशल एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज एंड लॉजिस्टिक्स में। आप भी कैंडिडेट्स जिसमें अप्लाई हैं, अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकती हैं। उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल यूट्यूब पे आएगी, वो आप देख सकती हैं कि कैसे अप्लाई होगा। और इसके अलावा अगर आप उसकी ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहें तो वो हमारा पेड कोर्स 8 अगस्त से स्टार्ट होगा। ओके, क्या जवाब दिया आप लोगों ने इसका? चार्ली। ओके, इट्स राइट ऑप्शन इज वाकई चार्ली। क्यों? क्योंकि पहले में अगर देखो तो दो लाइनें स्क्वायर के अंदर हैं, एक बाहर है। दो लाइनें स्क्वायर के अंदर हैं, एक बाहर है। दो लाइनें स्क्वायर के बाहर हैं, एक अंदर है। दो लाइनें अंदर हैं, एक बाहर है। दो लाइनें अंदर हैं, एक बाहर है। आप लोगों ने नॉन वर्बल में क्या करना है? ओके, तहमीना को मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगा अगर आपने मार्कर यूज किया, बट आई थिंक तहमीना को अभी तक समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो अब यूट्यूब पे देखना ये लेक्चर। तो बेसिकली दो लाइनें अंदर और एक बाहर है सारे स्क्वायर्स में, बट चार्ली में दो लाइनें बाहर हैं और एक लाइन अंदर है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। गॉट इट डियर कैंडिडेट्स? ओके, okay.
ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 2 नंबर, यानी कि बीटा। कैसे सर जी? आपने देखा एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। अब आप लोगों ने ट्रायंगल को वर्टिकल लाइन लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड किया, स्क्वायर को वर्टिकल लाइन लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रेक्टेंगल को वर्टिकल लाइन लगा के 2 हिस्सों में तकसीम किया, बट सर्कल अकेले को आपने हॉरिजेंटल लाइन लगा के चेंज किया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। ओके डियर कैंडिडेट्स। ओके, तो ये थी आप लोगों की टाइप नंबर 1, ऑड मैन आउट के ये थे आपके क्वेश्चन। उम्मीद है आपको कुछ ट्रिक्स का पता चल गया होगा। ठीक हो गया? अगर आपने ये ट्रिक्स सीखे हैं तो इंशाल्लाह पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं ट्रिक्स की मदद से हल हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी टाइप की तरफ, एनोलॉजी है, एनोलॉजी। ओके डियर कैंडिडेट्स, हमारी दूसरी टाइप का नाम है एनोलॉजी। क्या नाम है? एनोलॉजी। एनोलॉजी बेसिकली रिलेशनशिप को कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स आपको दिया गया होगा और आपने अगली 2 फिगर्स के दरमियान रिलेशन खुद बताना होगा। लाइक एनोलॉजी हमने पिछली वर्बल में भी पढ़ी थी, वर्बल का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो उसमें हमने एनोलॉजी पढ़ी थी। रिलेशनशिप होती है, ठीक है? और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो आओ इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते। ओके, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एनोलॉजी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आंसर करो पहले इस क्वेश्चन। कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी, यानी कोई कह रहा है चार्ली, कोई डेल्टा। अब मेरी बात सुन, आप लोगों ने देखा कि 5 कॉर्नर वाली शेप कितने कॉर्नर वाली शेप में चेंज हुई? 4। तो 4 कॉर्नर वाली शेप कितने कॉर्नर वाली शेप में चेंज होगी? ऑब्वियसली 3 कॉर्नर वाली। पहली बात आपकी हो गई कंप्लीट। अभी उन्होंने 2 जो ब्लैक कलर के हमें डॉट नजर आ रहे थे वो उन्होंने बाहर निकाल दिए और व्हाइट कलर का डॉट अंदर रख लिया। नॉन वर्बल जो है ना, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको मेरे कर्सर पे नजर रखनी पड़ेगी, इस पेंसिल पे, ये जो पेंसिल है, ठीक है? दोनों ब्लैक डॉट उन्होंने बाहर निकाल दिए और एक व्हाइट डॉट अंदर रख दिया। हम भी यही काम करेंगे, हम ये दोनों ब्लैक डॉट ट्रायंगल की साइडों पे रख देंगे और एक व्हाइट डॉट जो है वो ट्रायंगल के अंदर डाल देंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। आंसर दिस क्वेश्चन, बीटा, डेल्टा, बीटा। ओके ओके, आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। वाटर इमेज पुत्र क्या होता है? अगर आप ए का वाटर इमेज करते हो, ए अल्फाबेट का वाटर इमेज करते हो, तो ए ऐसे नजर आता, यानी कि उल्टा हो जाता है। और अगर आप बी का मिरर इमेज करते हो, मिरर, तो बी आपको ऐसे नजर आता, लाइक दिस। दिस इज वाटर इमेज कॉन्सेप्ट एंड दिस इज मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। ये अपने माइंड में पहले बिठा लो, दिस इज वाटर इमेज, दिस इज मिरर इमेज। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उन्होंने इसको किया मिरर इमेज,
तो ये शेप बन गई। अब हम इसको करेंगे मिरर इमेज, तो जो राइट ऑप्शन आएगा वो बीटा होगा। अच्छा, आसानी से आप कैसे बता सकते हो कि इसका आंसर बीटा ही होगा, क्योंकि सारी शेप्स एक जैसी नजर आ रही हैं। आप देखो ये जो डायगोनल लाइन है ये बाहर वाले कॉर्नर से स्टार्ट होके अंदर की तरफ आ, तो इधर भी ये आएगी बाहर से स्टार्ट होके अंदर की, बाकी सब में देखो अंदर से स्टार्ट होके बाहर की तरफ जा रही। Got it? समझ आ गई आप लोगों को मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ओके तो ये बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है मिरर इमेज का। मिरर इमेज जो है ये साइड वाइज चीज को चेंज कर देती है, जबकि वाटर इमेज क्या करती है, वाटर इमेज अप टू डाउन चेंज करती है, उल्टा देती है किसी भी चीज को। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का जवाब दें, इसमें वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट हुआ यूज, इसमें वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज। वाटर इमेज मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, एक अगर वाटर इमेज करो तो वो क्या बन जाएगा, उलट हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली इधर वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आप जल्दी जल्दी वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करो और मुझे आंसर निकाल के दो। अरे आप जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और जो ऑनलाइन चैट हमारी चल रही होती है उसमें। वेरी गुड, आप लोगों ने सब ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि चार्ली ऑप्शन हमने क्यों नहीं लगाया है? तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का, हमने चार्ली ऑप्शन क्यों सिलेक्ट नहीं किया? आर्क चेंज है, वेरी गुड। ये जो आर्क है ना, ये जो स्माइली सी बनी हुई है, ये हमें ऐसी नहीं चाहिए थी, ये सैड की तरह की हमें स्माइली चाहिए थी, हंसने की तरह की नहीं चाहिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। गुड, इस क्वेश्चन का जवाब दें, बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सब लोग इसका बीटा ऑप्शन दे रहे हैं। यूट्यूब वालों, क्या आपको भी लग रहा है कि इसका आंसर बीटा ही है? If yes, then वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगा। ओके, आपने देखी ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के साथ आपने साथ छोटी सी एक और ट्राइंगल नीचे अटैच कर, यहाँ पे एक पेंटागोन है, पेंटागोन के साथ, सॉरी ये पेंटागोन कुछ अलग तरह की बन गई है, आप एक और पेंटागोन नीचे ऐड कर दो, तो राइट ऑप्शन बीटा बन जाएगा। ओके, अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अगर इस ऑप्शन की जगह, इस ऑप्शन की जगह अगर ये ऑप्शन होता जो मैं अभी बनाने लगा हूं, ये ऑप्शन होता, अगर ये ना होता, ये वाला ऑप्शन होता, तो फिर आंसर क्या होना? ऑफ कोर्स फिर इसका आंसर हो जाना था चार्ली, क्योंकि हमने भी उसको उल्टा देना था, लटा देना था, या 90 के डिग्री पे रोटेट कर देना था। सो द राइट ऑप्शन तब होना था चार्ली जब अगर ये शेप होती। गुड, मुझे लग रहा है कि आप लोग लाइक हो। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें, इस क्वेश्चन का जवाब दें जल्दी से जरा। ओके, द राइट ऑप्शन विल बिकम चार्ली। सर कैसे चार्ली हुआ? आपने देखना है ये प्लस की जो लाइनें हैं, जो एक्लिप्स की तरह की हैं, इनके दरमियान में है छोटी छोटी लाइनें। हमने इसको किया रोटेट 45 डिग्री पे, जब हमने इसको 45 डिग्री पे रोटेट किया तो प्लस क्रॉस में चेंज हो गया और लाइनें भी साथ ही रोटेट,
लेकिन इधर लाइनों में फर्क है, उधर लाइनें दरमियान में आ रही थी बट इधर लाइनें इस लाइन के ऊपर हैं। चेक करो, कर्सर को चेक करो, बस मेरी आवाज को नहीं, मेरी आवाज कानों से सुननी है, आंखें आपकी पेंसिल पे होने चाहिए। ये देखो इस लाइन के ऊपर है ये लाइनें, बट हेयर क्या था, लाइनों के दरमियान में आती थी लाइन। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको भी 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया, आंसर आपका बन गया 4। सिंपल, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफा आर्मी में आ चुका है ये भी। ओके वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जवाब है चार्ली, और मैं इसका जवाब खुद नहीं बताऊंगा। आप लोगों ने अगर चार्ली सेलेक्ट किया है तो आपने सही किया है, क्योंकि बनता ही इसका जवाब चार्ली ही है। इस क्वेश्चन का जवाब दें, एरोस वाला एक क्वेश्चन आर्मी में, एयरफोर्स में पक्का आता है, आर्मी में भी आता है लेकिन एयरफोर्स में पक्का एक क्वेश्चन आर्मी का, तो आप लोग इसको रिव्यू करो जरा जल्दी जल्दी आंसर दो। ओके गुड, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बेसिकली बनेगा अल्फा। क्यों, आप लोगों ने देखा कि ये जो एरो राइट साइड की तरफ फर्स्ट वाला जा रहा था उसकी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जो जा रहा था उसको राइट कर दिया, जो राइट जा रहा था उसको लेफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट जा रहा था उसको राइट कर दिया, मतलब सबकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये जो एरोज ऊपर वाले दो ये राइट को जा रहे हैं, हम लेफ्ट की तरफ भेज देंगे इनको, और जो लेफ्ट को जा रहे हैं इनको हम राइट की तरफ भेज देंगे। एक्शन हमने वही करना जो पीछे हुआ, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा। ओके डियर कैंडिडेट्स, ओके डियर कैंडिडेट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। जी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में अपना आंसर दें और यूट्यूब वाले अपना आंसर करें जल्दी जल्दी। चार्ली अल्फा, इस क्वेश्चन का बहुत कम लोग आंसर देंगे आई नो, क्योंकि इसकी ट्रिक्स बहुत कम लोगों को पता है। बीटा चार्ली, बीटा बीटा, ओके नो लिसन टू मी, आप लोगों ने क्या किया, इधर पहले ट्रिक सीखो, इस सर्कल को हाफ किया, सर्कल को जो बाहर वाला है उस ऊपर वाले हाफ सर्कल को आपने रख दिया इधर, और जो अंदर शेप थी उसको आपने 45 डिग्री पे रोटेट करके हाफ सर्कल के ऊपर रख दिया। जो हिस्सा शेडेड था लाइक स्क्वायर शेडेड था उसको वाइट कर दिया, सर्कल वाइट था उसको शेडेड कर दिया, और अब हम यही ट्रिक आगे यूज करेंगे। हम सबसे पहले स्क्वायर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगी एक रेक्टेंगल टाइप ऐसे, फिर हम जो ऊपर ये जो शेप है स्क्वायर टाइप इसको 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगी लाइक दिस। ये होनी चाहिए थी वैसे, राइट ऑप्शन है इसका चार्ली ही, लेकिन होना चाहिए था ऐसे करके, ऐसे पूरा स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। और जो हिस्सा शेडेड है उसको वाइट कर देंगे लाइक स्क्वायर शेडेड है इसको वाइट रहने देंगे, और नीचे वाला जो है रेक्टेंगल इसको हम शेडेड कर देंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चार्ली। ओके ओके इस क्वेश्चन का आप लोग खुद जवाब दोगे, और ये क्वेश्चन पाकिस्तान आर्मी में 1000 मर्तबा आ चुका है, इजी सा क्वेश्चन है और ये पाकिस्तान आर्मी में बहुत दफा रिपीट हो चुका है। ओके इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा। क्या है डेल्टा, यहां पे एक वर्टिकल लाइन थी
उन्होंने हॉरिजेंटल लाइन लगा के प्लस कर दी। अब हमारे पास दो वर्टिकल लाइन है, हम भी दो हॉरिजेंटल लाइन लगा के प्लस बना देंगे। राइट ऑप्शन हमारा डेल्टा हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। ये भी बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है और पाकिस्तान आर्मी में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ओके, ये बेसिकली आप लोगों ने ट्रायंगल देखी, ट्रायंगल को उन्होंने वर्टिकल लाइन लगा के दो हिस्सों में डिवाइड किया और जो लेफ्ट वाला हिस्सा था, ये वाला जिसको मैंने रेड किया, इस हिस्से को उठा के ब्लैक करके इधर रख। हम भी सेम यही ऑप्शन करेंगे। हमारे पास सर्कल है, सर्कल को व्हाइट लाइन लगा के, सॉरी वर्टिकल लाइन लगा के हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और इस वर्टिकल लाइन से जो लेफ्ट साइड पे हिस्सा है उसको ब्लैक करके इधर रखेंगे आंसर के तौर पे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ईटा, यानी कि लास्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भाई, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह का है, ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व आउट करोगे। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो। इस क्वेश्चन का जवाब दें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसमें वाटर और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आपके पास 10 सेकंड है जवाब देने के लिए, यूट्यूब वालों के पास भी, लेक्चर वालों के पास भी। ओके, किसी का जवाब भी मैच नहीं कर रहा। अब मेरी बात आप लोगों ने सुन, इसमें वाटर और मिरर इमेज दोनों कॉन्सेप्ट इकट्ठे यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस शेप को करोगे वाटर इमेज, लाइक ये शेप है इस तरह की, इसको जब आप वाटर इमेज करोगे तो ये शेप हो जाएगी लाइक दिस, ठीक हो गया। अब जब इसको मिरर इमेज करेंगे तो ये शेप हो जाएगी लाइक दिस, पहली शेप बन गई। यानी कि यहाँ पे पहले वाटर इमेज हुआ देन मिरर इमेज हुआ, या पहले मिरर इमेज कर ले फिर वाटर इमेज। अब हम इन दो लीव्स को वाटर इमेज करेंगे। देखो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, वाटर इमेज। ये शेप है ऐसी, लीव और एक लीव है नीचे लाइक दिस। जब हम इसका वाटर इमेज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ब्लैक कलर का लीव लाइक दिस और नीचे आ जाएगा ये वाला लीव ऐसे करके ऐसे वाइट, ठीक हो गया। अब हम इसका मिरर इमेज करेंगे तो मिरर इमेज करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ब्लैक कलर का इमेज, ये वाला जो है ब्लैक लीव आ गया और इसके साथ ही इधर इसके पहलू में आ जाएगा वाइट कलर का लीव। सो राइट ऑप्शन जो हमारा बन गया वो होगा अल्फा। समझ आ गई आप लोगों को, इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज का आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ, वॉइस नहीं आ रही, जिसको वॉइस नहीं आ रही पुत्र उनका अपना नेट का इशू होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब कैंडिडेट्स को वॉइस आ रही है। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा ग्रुप में, आप उधर देख सकते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं बता देता हूं, इसका जवाब है बीटा। आप लोगों ने यह खुद हल करना है। ब्लू कलर के स्टेटमेंट में हमेशा मैं रखता हूं असाइनमेंट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, हमारी दूसरी टाइप यानी के एनोलॉजी भी हो गई खत्म। अब हम अपनी तीसरी टाइप पढ़ेंगे। कौन सी टाइप पढ़ना चाहते हो तीसरी में? जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ोगे ऑब्वियसली।
सीरीज कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अब आप लोग ये टाइप पढ़ो, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज कंप्लीशन। सबसे ज्यादा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो दो टाइप से आएंगे, एक ये सीरीज कंप्लीशन होगी, एक दूसरी सीरीज कंप्लीशन है। पहले ये सीरीज कंप्लीशन के कम से कम आपको 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आए। कितने क्वेश्चन? 15। गॉट इट? और हमारा एजुस्मार्ट का ऑफिशियल नंबर नोट डाउन कर लें, अपने पास सेव कर लें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमारे गाइडेंस के लिए, 03066892208। अगर आपने किसी भी ब्रांच की क्लासेस लेनी हो, या आपको कोई पर्सनल इशू हो, या आपको कोई भी इशू हो अदर देन पीडीएफ नोट्स, आप पीडीएफ नोट्स नहीं बस मेरे से मांगेंगे, और आप लोगों का कोई भी इशू हो मैं हाजिर हूं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगा प्रॉपर। ओके, स्टार्ट करते हैं सीरीज। आप लोग जब सीरीज को देखोगे तो ये आसान क्वेश्चन लगेंगे। अब आप लोग पहले इसका खुद आंसर देने की कोशिश करो, क्या आप जवाब दे सकते हो इस क्वेश्चन का? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो जल्दी से? यूट्यूब वाले भी दें, वेरी गुड। आप लोगों को सबको पता है कि इसका आंसर है अल्फा। क्यों है अल्फा? आप लोगों ने देखा एक बिग स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है, फिर उन दोनों का मजमुआ है। अब आगे एक बिग सर्कल है, इट मींस कि आगे क्या आएगा? छोटा सर्कल अल्फा में मौजूद है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जवाब दें। आप लोग इजीली जवाब दे सकते हो इन क्वेश्चंस का, इजीली, कोई इशू नहीं, गलत दो या दुरुस्त दो, लेकिन जवाब लाजमी दो। अल्फा, बीटा, चार्ली, बीटा, डेल्टा भी दे दो, ताकि मैं कहूं कि आपने कहीं भी, हाँ डेल्टा भी आता, यानी कि किसी को भी आंसर सही से नहीं आता। इसका राइट ऑप्शन, आप सुनो, कर्सर की तरफ देखते रहना, ये शेप ऊपर शिफ्ट हुई और इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली इस कॉर्नर की, देखो हुई। अब ये शेप होगी नीचे शिफ्ट, और ये भी अपनी जो डायरेक्शन है ये एरो की, वो इस कॉर्नर की तरफ करी, राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा। चार, मैं कलर चेंज कर लूँ, राइट ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? चार। ओके, लड़कियां कह रही हैं दोबारा बता दो। देखो भाई, ये शेप ऊपर गई, ये तो आपको समझ आ गया कि शेप वाकई ऊपर गई है, और ऊपर जाके एरो जो इस साइड को जा रहा है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली इस कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर में जाना शुरू। अब ये शेप भी नीचे आएगी और एरो जो के इस कॉर्नर में जा रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा इस कॉर्नर, लाइक फर्स्ट वाले में जो हुआ वही हम करेंगे, राइट ऑप्शन इसका चार। ओके, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दें, आप इजीली दे सकते हैं, आई नो आप इजीली इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ओके, इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्यों है डेल्टा? आपने देखा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, अब सर्कल है तो आगे सर्कल के अंदर सर्कल होगा, राइट ऑप्शन डेल्टा। इस क्वेश्चन का जवाब दें। फ्री में आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिलेंगी दोबारा, पढ़ लो अच्छे से अगर एएफएनएस में जाना है तो। ओके, इसका राइट ऑप्शन आप लोग क्या दे रहे हो?
बीटा। पहले ट्रायंगल ऊपर को थी, फिर वो ट्रायंगल 90 डिग्री पर रोटेट हुई और इधर आ गई, फिर वो ट्रायंगल 90 डिग्री पर रोटेट हुई नीचे को चली गई, अब वो 90 डिग्री पर रोटेट होगी तो इधर को चली जाएगी लेफ्ट साइड की तरफ, तो आंसर हो जाएगा बीटा। ओके, कर्सर की तरफ आपने लाजमी देखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इस क्वेश्चन का जवाब दें, सीरीज का जवाब देते हुए आपने पहले पूरी सीरीज को देखना होता है, फिर आप अगर इसका जवाब दोगे तो ठीक दोगे, अदरवाइज आप गलत आंसर दे। तो ये अपने माइंड में मेरी एडवाइस रखनी है कि सीरीज को देखते हुए हमेशा पूरी सीरीज देखनी है पीछे। ओके, आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो पहली और दूसरी शेप सेम है, तीसरी शेप शेप जो है वो सेम है, सेम है। तो पहली के बाद जो शेप आई वही तीसरी के बाद आई, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा ही आप लोगों ने बताया, वेरी गुड। ओके, मुझे जो लेक्चर सुन रहे होते हैं ना मेरा यूट्यूब पे, वो सोच रहे होते हैं सर पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, हमने भी डेल्टा जवाब दिया लेकिन हमें सर और तरह पढ़ा रहे हैं इनको और तरह। तो पुत्र ये सेशन होता है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलती है इस सेशन की यूट्यूब पे, ठीक है, आप लोग परेशान ना हुआ करो। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, जवाब दो इस क्वेश्चन का जल्दी से जरा, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ओके, इसका राइट ऑप्शन मैं आपको देता हूं, देखो पहले ये लाइन लगाई, फिर ये लाइन लगाई, अब ये लाइन लगाएंगे, पेंसिल को नहीं उठाएंगे और फिर ये वाली, हमारे पास यहां तक है, देखो ये वाली लाइन लगी, ये वाली लाइन लगी, अब ये वाली लाइन लगी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा। अच्छा फर्ज करो, फर्ज करो अगर आपके पास होता ये वाली लाइन पहले होती, फिर आपके पास ऑप्शन होता ये, फिर आपने बताना होता कि इधर क्या आएगा, फिर आपने बताना होता कि आगे स्क्वायर है, अब ऑप्शन क्या होता, अब ऑप्शन क्या होता, और फर्ज करो ऑप्शंस में एक ऑप्शन मैंने डेल्टा में ये रखा, अब जवाब क्या होता। अब जवाब होता डेल्टा, वेरी गुड। बस मैंने यही समझाना था, ट्रिक आपको समझानी है, उधर क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन ट्रिक यही यूज होगी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दोगे, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। ओके, आप सब लोगों ने इसका जवाब बी दिया, इफ यस देन आपका जवाब दुरुस्त है, अगर नो तो इस क्वेश्चन को एक दफा फिर देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बीटा ही है। इस क्वेश्चन का जवाब दें, छोटू सा क्वेश्चन है और इसका भी जवाब आप लोग खुद ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। ओके, अगर आप लोगों ने इसका जवाब फाइव दिया है तो राइट ऑप्शन फाइव या ई, जिसने भी राइट ऑप्शन है वो राइट है, जिसने ये फाइव या ई, वेरी गुड। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें, ओके आप लोगों ने देखा पहले स्क्वायर आया,
फिर सॉरी पहले सर्कल आया, देन स्क्वायर आया, देन सर्कल आया, देन स्क्वायर आएगा, आगे क्या आएगा? सर्कल, यानी ये स्क्वायर वाले दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब ये जो बंदे की शेप बनी हुई है, एक बंदा सा बना हुआ है, एक आदमी, एक मैन, वो पहले सीधा है, फिर ये राइट को हो गया, फिर ये नीचे को हो गया, अब फिर ये लेफ्ट को हो गया, यहाँ पे ये फिर ऊपर को हो जाएगा लाइक पहले की तरह। तो राइट ऑप्शन जो होगा, ओहो ये क्या हो गया, राइट ऑप्शन जो होगा इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट वन शेप अल्फा। समझ आ गई आप लोगों को? सीरीज आपने पीछे से जब पूरी सीरीज देखोगे ना तो आपको सही समझ आ जाएगी कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का जवाब दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं, एक का आप लोगों ने देना। इसका मैं दूंगा, नीचे वाले का आप। ये सोच के क्वेश्चन देने वाला है जवाब, कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी। ओके देखें मैं समझाता हूं। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक ये एक शेप है लाइक एक्सिस बने हुए हैं, प्लस शेप, प्लस के ऊपर है यहाँ पे एक क्रॉस और यहाँ पे एक स्टार है। आगे जब आपने शेप देखी दूसरी तो स्टार और क्रॉस आ गए नीचे, स्टार और क्रॉस आ गए नीचे। अब अगली जब आपने शेप देखी तो वहां पे क्या था, क्रॉस और स्टार ने अपनी जगह चेंज कर, क्रॉस और स्टार ने अपनी जगह चेंज कर ली। अगले शेप में वो क्रॉस और स्टार ऊपर चले गए। अब किस चीज की बारी है, स्टार और क्रॉस दोबारा से अपनी जगह चेंज करेंगे। तो राइट ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो बनेगा फोर्थ वन, राइट ऑप्शन फोर्थ वन। ओके ट्रिक समझ आई? आसान सी ट्रिक किसमें लगी है, आसान सी। पहले दोनों शेप्स नीचे आई, नीचे आने के बाद आप लोग मार्कर क्यों यूज कर रहे हो? मैंने आपसे बोला है जब आप मार्कर नहीं यूज कर सकते देन व्हाई, रिमूव होना चाहते हो? ये क्वेश्चन आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप खुद हल करो। इधर आपने सिर्फ मूवमेंट चेक करनी है, स्टार ऊपर चला गया, ये इसकी जगह पे आ गया, क्रॉस नीचे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज सारी की सारी शेप कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर खुद करोगे, एक स्क्रीनशॉट। ओके आप लोग जब मार्कर वगैरह यूज करते हो तो मैं इरिटेट होता हूं, पुत्र इरिटेट ना किया करो प्लीज। अभी आप लोगों ने मेरे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, मैं आप लोगों को तंग नहीं करता, बड़े आसान ट्रिक्स के साथ सिखा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ जब आप लोग बोलते हो, तो आप मुझे इरिटेट ना किया करो प्लीज। ओके इसका राइट ऑप्शन दें। ओके आप लोगों ने देखा यहां पे एक इधर को टिक लगी है, एक इधर को टिक लगी, देन लेफ्ट वाली जो टिक है उसने अपनी जगह चेंज नहीं की,
जो राइट वाली टिक है इसने वाटर इमेज कर लिए। अब आगे क्या हुआ, आगे लेफ्ट वाली ने भी वाटर इमेज कर। अब आगे क्या हुआ, अब इधर वाली शेप ने दोबारा से थोड़ी सी रोटेशन ऐसे दिखाई और इधर को हो गई। अब ये वाली टिक भी रोटेशन अपनी दिखाएगी तो किधर को चली जाएगी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर वन, वेरी गुड। यानी कि ये दोनों की दोनों शेप्स क्या हो रही हैं, मैं आप लोगों को सिंपल अगर रोटेशन के साथ समझाऊं तो ये शेप पहले रोटेट हुई नीचे को, ये देखो, फिर ये वाली शेप नीचे को रोटेट हुई, ये देखो, अब ये शेप इधर को रोटेट हुई लाइक दैट, ये शेप आप इधर को रोटेट हो जाएगी और राइट ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ। ये सिंपल रोटेशन है टिक की एक जगह से दूसरी जगह। ओके, फातिमा चाहती है कि मैं उसे रिमूव कर दूं, लो फातिमा, वेरी गुड। पहले ही लोग लाइन में लगे हुए हैं कि ऑनलाइन क्लास लेनी है, बट आपको नहीं लेनी तो ना लो। ओके डियर कैंडिडेट्स, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दें, फिर हम अपनी चौथी टाइप पढ़ेंगे एंड देन हम बिग पैटर्न पढ़ेंगे और आप लोगों का आज का नॉन वर्बल का लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। इसका जो पुत्र राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा, नो 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 अल्फा, नो 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 डेल्टा, यस डेल्टा। आप लोगों ने क्या किया, मिरर इमेज किया इस शेप को, तो ये उलट हो गई, राइट लेफ्ट टू राइट हो गई, इसको भी मिरर इमेज करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगी और डेल्टा राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये थी पुत्र आप लोगों की नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तीसरी टाइप, जिसे हम कहते हैं सीरीज कंप्लीशन। ओके, अब अगली टाइप हम पढ़ते हैं, नाइन ऑप्शंस एमसीक्यूज, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तीसरी टाइप, नाइन ऑप्शंस एमसीक्यूज, और इस टाइप में से आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 20 एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह। 64 में से 20 एमसीक्यूज इस टाइप में से आएंगे। सो अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो, गुड एंड वेल, अगर आप नहीं समझते तो मसला परेशानी आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि प्रॉपर पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेना, ट्रिक्स को क्लियर कर लेना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के ये 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हो सकते। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले आपने एक दो क्वेश्चन को मैं खुद समझाता हूं, फिर आप लोग जवाब दो। इस क्वेश्चन का आप इजीली जवाब दे सकते हो, ये जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का आप इजीली जवाब दे सकते हैं आपके। ओके, देखो अब मेरी ट्रिक्स, इन क्वेश्चंस को पुत्र आप लोग हॉरिजेंटली भी देख सकते हो, ये सीरीज होती है, एक सीरीज ऊपर है, ये दूसरी सीरीज है और ये तीसरी सीरीज है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं। पहले सीरीज को हम समझते हैं। देखो, एक डॉट, दो डॉट्स, थ्री डॉट्स, टू डॉट्स, फोर डॉट्स, सिक्स डॉट्स, थ्री सिक्स, आगे आएंगे नाइन डॉट्स, तो नाइन डॉट्स हैं थ्री वाली शेप में, तो द राइट ऑप्शन विल बी थ्री या चार। ओके, अब नीचे जो टाइप, एक अलग टाइप का होगा क्वेश्चन, देख लेना ये। देखो अब इस क्वेश्चन का भी आप इजीली जवाब दे सकते हो, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब, सीरीज पहले ऊपर वाली देखो, फिर दरमियान वाली, फिर नीचे वाली, आपको समझ आ जाएगी।
इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग चार्ली दे रहे हो। आप मेरी ट्रिक सुनो। पहली सीरीज में आप लोगों ने देखा कि एक है सर्कल जिसमें वर्टिकल लाइन लगी है, एक है सर्कल जिसमें कोई लाइन नहीं लगी, और एक है सर्कल जिसमें हॉरिजेंटल लाइन लगी है, ठीक है। और अब आप लोगों ने नीचे वाली दरमियान वाली सीरीज देखनी है। दरमियान वाली सीरीज भी जस्ट लाइक दैट के आप लोगों ने देखा, पहले एक हॉरिजेंटल लाइन लगी है, एक वर्टिकल लाइन लगी है और एक स्क्वायर खाली। नीचे तीसरी सीरीज पे आ जाओ, प्लस टाइप शेप है, इसमें कोई लाइन नहीं लगी, इसमें हॉरिजेंटल लाइन लगी है। इट मींस कि आगे जो प्लस टाइप शेप होगी उसमें कौन सी लाइन लगेगी, वर्टिकल, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चल ओके, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दोगे क्योंकि ये ऊपर मैं क्वेश्चन समझा आया हूं। ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी इसी तरह का क्वेश्चन था, जवाब इसका है 7। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। पूरे का पूरा खाली। ओके, ये क्वेश्चन मैं खुद समझाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं खुद समझाऊंगा, आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये अलग टाइप है, आप लोगों ने पुत्र इन दोनों की दोनों शेप्स, लाइक ये वाली शेप और ये वाली शेप, इन दोनों को प्लस किया तो ब्लैक कलर इसकी वाइट वाली जगह को भी क्या कर देगा, ब्लैक, ठीक हो गया। इस वाली जगह को भी क्या कर देगा, ब्लैक। तो आंसर बन गया ये, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट बना ये। अब आप लोग इन दोनों को प्लस करो और मुझे बताओ इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा ऑप्शन। यस, फोर्थ शेप विल बी द प्रोडक्ट, सो फोर्थ वन इज आंसर, इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। वेरी गुड, सिंपल सिंपल सी ये टाइप है, बहुत आसान टाइप है, बस रिव्यू करते जाओ और आगे जाते जाओ। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दोगे, जल्दी से दे दो आंसर। सर्कल है, सर्कल के अंदर डॉट है, सर्कल के अंदर प्लस है। पहले ये सीरीज देखो, फिर ये सीरीज देखो, और फिर इधर भी ऊपर वाली सारी शेप्स पूरी। राइट ऑप्शन इसका ईटा आएगा। ओके डियर कैंडिडेट्स, इस क्वेश्चन की आपको समझ आई, इसका राइट ऑप्शन आएगा ईटा। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी, जरा अपने अभी हाथ चलाओ और दिमाग भी। ओके, आप लोगों ने देखा यहाँ पे 3 सर्कल स्क्वायर्स है, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है और यहाँ पे 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर पहली सीरीज में है, 1 स्क्वायर दूसरी सीरीज में है, 1 स्क्वायर 3 तीसरी सीरीज में भी मौजूद है। 3 स्क्वायर जो है पहली में मौजूद है, 3 स्क्वायर दूसरी सीरीज में मौजूद है, 3 स्क्वायर तीसरी स्क्वायर में भी मौजूद है सीरीज में। 2 स्क्वायर वाली जो शेप है ये पहली में मौजूद है, ये दूसरी में मौजूद है, तो तीसरी में ये नहीं है। हमें इस तरह की शेप चाहिए, वो मिलेगी हमें बीटा में। ओके, ये शेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली टाइप में आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आसान लफ्जों में पंजाबी में आपको बताऊं तो इस टाइप में आपने चीजें पूरी करनी होती,
नीचे वाली शेप्स और ऊपर वाली शेप्स पूरी करनी होती हैं। लाइक ये एक शेप है एरोज वाली, एरोज वाली शेप है, एरोज वाली तीनों में है। नीचे ये पेंसिल टाइप पेंटागोन है, पेंटागोन है और पेंटागोन है, तीनों में है। ये एक एक्लिप्स है, एक्लिप्स है, एक्लिप्स है, तीनों में मौजूद है। यस, अब आपने देखना है ऊपर प्लस क्रॉस एरो, इधर को सीरीज देख लो, प्लस है, क्रॉस है और एरो है। क्रॉस आ गया, एरो आ गया, प्लस आ गया, तीनों चीजें पूरी हो गई। नीचे आ जाओ, एरो आ गया, प्लस आ गया, कौन सी ऊपर वाली शेप रह गई? क्रॉस। एक्लिप्स के ऊपर आएगा क्रॉस आंसर। सो राइट ऑप्शन बीटा। ओके, इस तरह का नीचे क्वेश्चन आएगा, वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन है। टेक स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन है। जल्दी से, जल्दी से, हरी अप, हरी अप। ओके, इसका राइट ऑप्शन डेल्टा है, ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है, डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है, बाकी ट्रिक आप लोगों को पता है, समझ लें। ये क्वेश्चन आप देंगे जवाब, बड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान। YouTube वालों, आपने भी जवाब दिए हैं, आप लोग भी ये ट्रिक्स सीखते जाओ, यही ट्रिक्स आएंगे, बेशक आपका पेपर मेजर का हो लेकिन ट्रिक्स यही यूज होंगे, और ऐसे सिंपल जुबान में कोई ट्रिक आपको नहीं सिखाएगा। सो अभी सीख लो, टाइम है आपके पास। ओके, इसका आप लोगों ने राइट ऑप्शन दिया बीटा, बीटा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आप मुझे सुनना है। सबसे पहले देखो कि स्क्वायर पहली सीरीज में है, सर्कल दूसरी में है और तीसरी में है, तो ये जो चार्ली ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं है। अब आपने देखा कि दो स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर में दो लाइनें हैं, एक स्क्वायर में तीन लाइनें। ओके डियर कैंडिडेट्स, मैं इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक समझा रहा था। देखें, आप लोगों ने पता चला कि इस सर्कल इधर भी है, इधर भी, दूसरी सीरीज में भी है, तीसरी में भी, तो चार्ली तो आएगा नहीं। अब स्क्वायर आ गया दो तरह का, एक स्क्वायर ऐसा है जिसमें दो लाइनें हैं, एक स्क्वायर ऐसा है जिसमें तीन लाइनें हैं। तीन लाइनों वाला स्क्वायर पहली सीरीज में है, दूसरी सीरीज में है, तीसरी सीरीज में है, मतलब कि ये जो आंसर है अल्फा वाला ये भी नहीं आएगा। अब रह गया बीटा और डेल्टा, ठीक है। अब आपने लाइन का कैसे पता लगाना है कि आंसर बीटा होगा या डेल्टा होगा, ये सीख। देखो, ये लाइन जिस कॉर्नर में जा रही है उसी कॉर्नर के, उसी के अपोजिट कॉर्नर में ये लाइन जा रही है, ऐसा ही है। ये लाइन जिस कॉर्नर में जा रही है उसी के अपोजिट कॉर्नर में ये वाली लाइन जा रही है। अब ये लाइन जहां पे जा रही है उसी के अपोजिट कॉर्नर में ये लाइन जाएगी, तो राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा बीटा। सिंपल सा ट्रिक है, बाकी आप कैसे, जैसे मर्जी, आपका अपना मतलब है कि कैसे मर्जी आप जवाब निकाल लो, मैंने आसान सी ट्रिक बतानी होती है वही मैं बताता हूं और यही बताऊं। चलो, एक क्वेश्चन एक से ज्यादा ट्रिक से भी हल हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ट्रिक्स ही इस्तेमाल करो। इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। यूट्यूब वाले भी इस क्वेश्चन का जवाब दें, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप थी जो आज हमने इसको कवर किया है। ओके, सुनो, लिसन टू मी, आप लोगों ने शेप्स पूरी करनी है। पहले नीचे वाली शेप देखें, डबल एरो नीचे, हार्ट है और प्लस टाइप शेप है। हार्ट आ गया, प्लस टाइप शेप आ गई, डबल एरो आ गया, प्लस टाइप शेप आ गई, डबल एरो आ गया। अब रह गया कौन सी शेप, हार्ट यानी कि दिल आ जाएगा, पहले दिल,
अब ऊपर वाले एरोस पे आ जाओ, ऊपर डबल एरो है, ऊपर एक सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो है, ठीक है, सिंगल एरो है और प्लस है, प्लस आ गया, डबल एरो आ गया, सिंगल एरो आ गया। अब देखो सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो, ये प्लस, कौन सी चीज मिसिंग है, वो हो गई डबल एरो, तो हार्ट के ऊपर आ जाएगा डबल एरो, तो राइट ऑप्शन हमारा जो बनेगा वो होगा बीटा। ठीक है, आपने बस चीजें पूरी करनी है, छह शेप्स आपने पूरी करनी है, जैसे मर्जी करो, छह शेप्स बस। और ये थी आपकी बड़ी ही ये इम्पोर्टेंट टाइप थी, आप लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से कवर किया। हमारी कितनी टाइप्स हो गई पुत्र नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, नॉन वर्बल की हमने कितनी शेप्स कर ली, क्या कोई बता सकता है मुझे, बताओ बताओ। फिर आप लोगों के लिए एक और मैं शेप लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन है थोड़े से बिग पैटर्न के, वो आप लोगों ने करने हैं। फोर टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली है, अब हमारे पास है बिग पैटर्न। क्या है बिग पैटर्न, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बिग पैटर्न का, क्या बिग पैटर्न का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? ओके, इन क्वेश्चन में पुत्र क्या होता है, इन क्वेश्चन में होता है कि आपको एक बड़ा सा पैटर्न दे दिया जाता है, उसमें एक रेक्टेंगल सी शेप उन्होंने व्हाइट छोड़ी होती है और आपसे कहते हैं कि इस जगह को फिल करो प्रॉपर ऑप्शन के साथ। आप इन क्वेश्चंस को आप कॉर्नर्स को देखती हो कि कॉर्नर में कौन सी चीज गुजर रही है, लाइक इधर अगर हम अंदाजा लगाए तो कॉर्नर में स्प्रिंग टाइप शेप गुजर रही होगी, जैसे ये स्प्रिंग बना, यही स्प्रिंग गुजर रहा होगा ना, तो आप इस कॉर्नर में देख लो कहां पे स्प्रिंग है, क्या इधर कॉर्नर में स्प्रिंग गुजर रहा है? नो। क्या इधर गुजर रहा है? क्या इधर गुजर रहा है? क्या इधर गुजर रहा है? इधर भी नहीं है। अब देखो कि कहां से गुजर रहा है स्प्रिंग, कौन सी शेप में से गुजर रहा है, आंसर दो, बीटा में से, वेरी गुड। तो ये ऊपर ऊपर से देखो, इधर इधर से ये स्प्रिंग सा गुजर रहा है, वो बीटा में से। आपने जस्ट एक कॉर्नर को देखना है और इसका राइट ऑप्शन दो, एक कॉर्नर। और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं, ये बेसिकली एयर फोर्स की टाइप है, लेकिन आर्मी में इसका एक आध क्वेश्चन आता है, कितने, एक या दो बस। ओके, इस क्वेश्चन को देखें, क्या राइट ऑप्शन होगा इसका, लेकिन मैंने तो आपको समझाना है ना, बेशक आप आर्मी से हो, नेवी से हो या एयर फोर्स से हो, मैं आपको हर एक टाइप समझाऊंगा। ओके, इसका राइट ऑप्शन है अल्फा। क्यों, देखो आप लोगों ने देखा कि ये स्क्वायर तो कंप्लीट करना है, ये वाला इधर जाके ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, और बाकी सब में देखो ब्लैक कलर का ये स्क्वायर है ना, ब्लैक कलर का स्क्वायर, क्या इधर ब्लैक कलर का कोई स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या इधर कोई ब्लैक कलर का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे कोई ब्लैक कलर का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या अल्फा में कोई ब्लैक कलर का कलर हो रहा है स्क्वायर कंप्लीट? यस, हो रहा है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये तो बायोलॉजी का ही एक क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी का ही एक क्वेश्चन आ गया। क्या बोलते हैं इसको जो लीव के अंदर होती है, स्टेम, स्टेम बोलते हैं, आई थिंक कुछ और बोलते हैं, जो लीव के अंदर ये पतली सी है, इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी की रूप से? ओके, आप लोगों ने देखा कि ये इसके डायगोनल से ये इसकी स्टेम है, आई थिंक जो भी है, अभी लड़कियां नहीं बता रही,
मिडरिब या साइलम। ओके, ये जो मिडरिब है ये गुजर रही है इसके डायगोनल से, तो डायगोनल से सिर्फ अल्फा में गुजर रही है, बाकी किसी के डायगोनल में मिडरिब या साइलम जो है ये नहीं है। ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देख लो। अगर मैं उत्तर आप लोगों से पूछूं कि इस कॉर्नर में क्या हो रहा है, इस कॉर्नर में ये भी कंप्लीट हो रहा है, ऐसे ऐसे तीन लाइनें हमें चाहिए, ऐसे ऐसे तीन लाइनें हमें चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए ऊपर वाले स्क्वायर को, लाइक दिस चाहिए हमें तीन लाइनें। अब इस कॉर्नर की तीन लाइनें क्या डेल्टा में मौजूद हैं? नहीं है। क्या चार्ली में मौजूद हैं? नहीं है। क्या बीटा में मौजूद हैं? नहीं है। क्या अल्फा में मौजूद हैं? यस, अल्फा में वो लाइनें मौजूद हैं। तो सिर्फ एक कॉर्नर आप देखोगे और राइट ऑप्शन दे दो, ठीक हो गया। कभी कभी आपको दो कॉर्नर भी देखने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एक ही कॉर्नर से हल हो जाता है। ये आखिरी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, या चलो एक और करवा दूंगा इसके बाद, इस क्वेश्चन का जवाब दें। अगर आप पूरा पैटर्न देखोगे ना तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, लाइक दिस के आप देखो यहाँ पे कितने कितने, ये नाइन नाइन डॉट्स हैं इधर, ये नाइन डॉट्स हैं, इधर आपको कितने नजर आ रहे हैं? सिक्स डॉट्स। इट मींस कि आपको इसको कंप्लीट करने के लिए तीन डॉट भी चाहिए साथ में, फिर ये कंप्लीट होगा, और साथ में इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसी एक शेप भी चाहिए, लाइक दिस, इस तरह की बेंडिंग वाली शेप भी चाहिए। अब बेंडिंग वाली शेप और थ्री डॉट्स किस में मौजूद है? इसमें है? नहीं है। इसमें बेंडिंग वाली कोई शेप है? नहीं है। इसमें कोई बेंडिंग वाली शेप और थ्री डॉट्स नहीं है। अगर आप बीटा को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये शेप भी मिल गई और थ्री डॉट्स भी मिल गई, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। आसान है ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन आसान है? जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक बहुत आसान है। परसों इंशाल्लाह आप लोगों का जब मॉक टेस्ट होगा तो आप लोगों ने खुद कहना है बहुत मुश्किल टेस्ट था। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब दें। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप देखते हैं कि कौन इसका राइट ऑप्शन देगा। ओके, सब इसका राइट ऑप्शन ही दे रहे हैं, यानी कि चार्ली, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है चार्ली, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए छोटे से पत्थर की जरूरत है, ऊपर वाले पत्थर को कंप्लीट करने के लिए, और वो छोटा सा पत्थर हमें चार्ली में नजर आ रहा है, बाकी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट। इसका राइट ऑप्शन है बीटा, ये याद रखें और स्क्रीनशॉट ले लें, बीटा इसका राइट ऑप्शन। ओके डियर कैंडिडेट्स, तो ये थी आपकी आज की टाइप, जिसे हम कहते हैं बिग पैटर्न। क्या हम कहते हैं इसे? बिग पैटर्न एमसीक्यूज। ओके, बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी सर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने साथ लेके जाने हैं एएफएनएस का टेस्ट देते वक्त, एएफएनएस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन टेस्ट। टेस्ट में आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ओके, पहली चीज, आप लोगों के पास मैट्रिक की सनद होनी चाहिए, मैट्रिक की सनद ओरिजिनल। ओके, ये मैं बाद में बताता हूँ, मैट्रिक की सनद होनी चाहिए। दूसरी चीज, एफएससी अगर आपकी कंप्लीट है तो एफएससी का रिजल्ट कार्ड।
अगर एफएससी पार्ट वन की बेस पे आपने अप्लाई किया तो एफएससी पार्ट वन का रिजल्ट कार्ड प्लस होप सर्टिफिकेट जो आपने अपने कॉलेज से लिया होगा, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों का डोमिसाइल, डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एज 18 साल नहीं हुई तो बेफॉर्म, अदरवाइज सीएनआईसी यानी कि आप लोगों का आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है। अगली चीज, आपके बाबा या आपके गार्डियन का सीएनआईसी, ये आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आपकी तीन तस्वीरें होनी चाहिए, थ्री पिक्स, पासपोर्ट साइज, got it। अगली चीज, आप लोगों के पास कम से कम 500 रुपीस होने चाहिए, 500 रुपीस। अगली चीज, आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं। सर पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर आपको बाद में चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो बाद में चाहिए टेस्ट पास करने के बाद, पहले आपको ये चाहिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हम ये ओरिजिनल लेके जाएंगे या कॉपीज। आपने ये ओरिजिनल भी लेके जाना है, ओरिजिनल, प्लस आपने कॉपीज भी दो दो कॉपीज लेके जानी है साथ में अटेस्ट करवा के। अगर अटेस्टेड ना भी हो तो फिर भी चल जाती है, कोई इशू नहीं, बट कॉपीज आपने दो दो इसकी लाजमी हर डॉक्यूमेंट की करवा के लेके जानी है, ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन स्लिप जिस पे आपका टाइम और डेट मेंशन है, ठीक हो गया। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो वो बनवाए या लाए, हमें नहीं पता कि कहां से, ठीक है। अगर किसी के पास टोकन हो, लाइक डोमिसाइल का टोकन हो या आईडी कार्ड का टोकन हो, तो उस पे भी पेपर हो जाए। ओके डियर कैंडिडेट्स, ये था हमारा आज का टेस्ट। एंड अभी मेरी तबीयत, मैंने आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले बोला था, बहुत ख़राब है। रात के 11 हो गए हैं, सुबह मैंने 4 बजे फिर उठना है, और 4 बजे उठ के मैंने फिर नमाज वगैरह अदा करके पेड कोर्स वाली लड़कियों को पढ़ाना है। सो मेरा भी कुछ सोचो, ठीक है, तो मुझे भी अब जाने दो। ओके डियर कैंडिडेट्स, अगर किसी के पास सनद नहीं है तो वो बोर्ड से मंगवा सकता है। अगर किसी का सीएनआईसी नहीं है तो वो सीएनआईसी बनवा सकता है जाके नादरा ऑफिस से। अगर आपका किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो वो कचहरी ऑफिस या जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है आपके पास, वहां से आप बनवा सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।